हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मोमोज की रेसिपी। तो मोमोज बनाने बहुत ही आसान है, मैं घर पर ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप कटोरी से मैदा लिया है। आप इसको छान लेंगे, क्योंकि अब गर्मियों का है मौसम है तो थोड़ा सा कुछ होने का डर रहता है, तो इसलिए इसको छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको छान के इसमें हमने लिया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसमें हम मिला लेंगे स्वाद अनुसार नमक। जितना आप अपना मैदा के अकॉर्डिंग आपको डालना है अपने टेस्ट अनुसार, तो हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे, बहुत हल्का हल्का पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। बहुत अच्छा से नॉर्मल सा बनाना है हमें, ना ज़्यादा टाइट बनाना है और ना ही ज़्यादा मुलायम बनाना है। तो इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरीके से मैं इसको गूंथ के तैयार कर लूँगी। ये देखिए, गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला लेंगे 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छा सा एक गूंथ लेंगे और हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारा। अब फ्रेंड्स, बनाने के जिसके पास स्टील स्टैंड होता है वो उससे बना लेता है, लेकिन हम आपको एक बहुत ही इजी स्टेप बताएंगे कि हमें कैसे उसको स्टीम देनी है। आप चाहे तो उनको तल के बना लीजिए, और चाहे आप उसको स्टीम से बना लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मैदा गूंथ के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो इधर हमने सोयाबीन की बड़ी भिगो कर रखी हुई थी। ये देखिए, इसको 10-15 मिनट भिगी हुई हो गई है। आप चाहे तो इसको गर्म पानी में भिगो लें। तो मैंने 10-15 मिनट भिगोई थी, तो अब मैं इसको धो के निचोड़ के मिक्सी के जार में इसको पीस लूँगी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मैं आपको पीस के दिखाऊँगी कि कितना बारीक करना है, क्योंकि ज़्यादा बारीक इसकी अच्छी स्टफिंग नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको बनाना है। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाला, जीरा डाला, थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी, मैं इसमें लहसुन वगैरह का पेस्ट कुछ नहीं डालूंगी। बहुत सिंपल से बनाना बताऊंगी। बस इसमें हम आपको, अब ये देखिए हमारा जीरा भून के तैयार हो गया। अब हम इसमें ये सोयाबीन बड़ी डाल लेंगे, और इसमें बस हमें कुछ नहीं, बस थोड़ा मिर्च और नमक डालना है। नमक हमें हल्का ही रखना है, क्योंकि हमने पहले से ही मैदा में मिलाया हुआ है, इसलिए बहुत थोड़ा नमक। और जैसा भी आप टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, आपको टेस्ट पसंद है आप तेज डाल सकते हैं। बाकी इसमें मैं और कुछ नहीं मिलाऊँगी, और इसको 2-3 मिनट तक हम इस तरीके से भून लेंगे। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, अगर 2-3 मिनट काफ़ी होंगी, क्योंकि देखिए 2-3 मिनट भूनने के बाद हमारा जो है ये रेडी हो जाएगा। ये हमारा रेडी है। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर इतने हम तैयार करेंगे चटनी। मोमोज चटनी के बिना अधूरे हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 टमाटर काट के और 5-6 मिर्चियाँ डाल दी हैं। अब इसको जो थोड़ी देर के लिए हम पकाएँगे, तब ये 3 से 4 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे, क्योंकि बॉयल करने से ही इसमें जो रंग आएगा चटनी का, और इसके टमाटर की जो छिलके हैं बहुत आसानी से छिल जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा उबल के तैयार होने वाला है। यहाँ पर देखिए, हमारा उबल के ये इसमें पानी खोल गया है, और ये खोल कर तैयार है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, एक थाली में डाल लेंगे। ठंडा करने के बाद ये देखिए इस तरीके से लगेगा। इसमें ये साबुत मिर्च मैं इसमें पोट में डाल दूंगी, और टमाटर के छिलके हम बहुत आसानी से उतार देंगे। अब इसको छिलके उतारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, बहुत आसानी से ये चारों इस तरीके से उतार देंगे। अब इसमें हम चटनी का पेस्ट बनाने के लिए 2 लहसुन की कली, हल्का सा नमक, और इसको बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने लहसुन भी बस 2 ही डाली है। इसके बिना मोमोज बिल्कुल अधूरे। ये देखिए, देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। अब इधर हम जो है हमारा मैदा तैयार है, और उधर हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था। अभी हम सिम पर ही रख देंगे, क्योंकि हमें बनाने में टाइम लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं बड़ी लोई बना रही हूँ। आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी गोलगप्पों की तरह भी बनते हैं, जैसे गोलगप्पे बनाते हैं, छोटी छोटी लोई बना के एक एक बनाते हैं, इसी तरीके से यहाँ हम मोमोज भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊँगी। ये देखिए, मैंने 5 लोई बनाकर तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको इस तरीके से पलथन में लगाऊँगी, और इसको एक बड़ा करके बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, आप
जितनी पतली बनाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा पतली भी नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा मोटी भी। जो दुकान वाले बेचने वाले ठेले वाले होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा बारीक बनाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा मोटा ही रखूँगी क्योंकि मुझे थोड़े से मोटे पसंद हैं। तो ये देखिए, ये मेरा बनके तैयार है। इस तरीके से मैं बाउल से इसको कट कर लूँगी। आप देखना बाउल के किनारे मेरे थोड़े मोटे हैं, जिसके बारीक किनारे हो आप उससे काट लेना। मेरे पास इसी तरीके का इस साइड का यही बाउल था, तो ये देखिए थोड़ा सा किनारे उठ के आ रहे हैं। इस तरीके से आप इनको कट कर लेना, तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए चार बनकर तैयार हो गए हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ अब की बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसमें फिटिंग भर दूँगी। इस तरीके से ये बहुत आसान तरीके से भरे जाएंगे। ये देखिए, अंगूठे से आप इस तरीके से कर लीजिए और धीरे धीरे इसको आप शेप दे देंगे। इस तरीके से अंगूठे की सहायता से आप ये सब कर लो। ये देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए बहुत अच्छा इसकी शेप आई है। इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से ऐसे बांध दें जिससे ये खुले ना। ये देखिए बहुत अच्छी शेप बन के आई है। इस तरीके से मैं इनको भी भर के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक और बना के तैयार करके दिखाती हूँ। आराम से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जितना कम भरेंगे उतना सही रहेगा, ज़्यादा भी नहीं भरना आपको। बस ये है कि ज़्यादा भरने से फिर फटने का डर रहता है, बस इसी हिसाब से भरिए कि फटे ना। ये देखिए बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया। आप कहें तो इसको ऊपर से कट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये इसमें थोड़ी सी मैदा है, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा तोड़ दें ऊपर से। ये देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ इसमें रिफाइंड तेल लगा दिया है। अब इसको हम रख देंगे, थोड़ा इतनी दूरी पर रखना है जिससे स्टीम लगेगी तो ये एक दूसरे से चिपके ना, थोड़ा दूरी पर रखना है। ये देखिए मैंने अब यहाँ पर सारे रख दिए हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में, मेरे गर्म हो चुका है पानी, 10 मिनट के लिए इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिए मैंने जो ये कढ़ाई के कुंदे हैं उन पर अटका कर रख दूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी सी थी। तो अब ये इसको मैं प्लेट से ढक दूँगी। 10 मिनट के बाद हम इनको देखेंगे। इतने हम यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। देखिए एक चम्मच काला नमक, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर भुना जीरा लिया है। इसके साथ खाने का मज़ा ही हो रहा है। और आप देखना मोमोज इसके साथ खाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। देखो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। मैंने ये यहाँ पर छूकर देखे, छूने से पता चल रहा बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी स्टीम से। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से बना के एक बार जरूर देखें। ये देखिए मेरे मोमोज बिल्कुल तैयार हैं, मसाला और चटनी के साथ। एक बार आप इनको टेस्ट करके देखोगे तो बहुत अच्छे। एक बार शेयर जरूर करना, अगर आप बनाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।